हेलो विपम, हम आज के इस वीडियो में हम लोग अब अल्टरनेटिंग करंट सर्किट का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो देखेंगे। अब तक हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स देखा, जिसमें कि किस तरीके से आपका करंट का है और वोल्टेज का इक्वेशन आ रहा था और जो आपका फेज डिफरेंस का, और बाद में हम लोगों ने क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर और साथ में साथ रेजोनेंस ऑफ है ना एलसीआर सीरीज सर्किट देखी। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो पावर इन एंड एसी सर्किट देखेंगे। एक्चुअली आपका जो डीसी सर्किट केस में जो पावर है उस तरीके से डिफाइन है, V = P = VI, लेकिन इस केस में आपका जो पावर है वो डिपेंड करता है कि आपके सर्किट कौन सी, टाइप्स ऑफ सर्किट में, नेचर ऑफ सर्किट। तो अगर सपोज आपका सर्किट है प्योरली रेजिस्टिव है तो इसके उसमें डिफरेंट पावर डिफ्रेंसन आएगा, कैपेसिटिव है, केवल कैपेसिटर कनेक्टेड है और केवल इंडक्टर है तो इस केस में आपका डिफरेंट करंट का पावर का एक्सप्रेशन आएगा, और इस तरीके से डिफरेंट सर्किट के नेचर पे भी पावर का एक्सप्रेशन वैरी करता है। तो अब देखते हैं किस तरीके से ये डिपेंड करते हैं। तो अब बात करते हैं पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट। ठीक है, तो एक्चुअली अगर इंस्टेंटेनियस अगर हम वोल्टेज सप्लाई अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, सपोज अगर हमने ये दिया है पावर, सॉरी वोल्टेज सप्लाई दी है किसी एसी सर्किट में, और उसके खिलाफ जो करंट की वैल्यूज है वो हम ये ले रहे हैं, ये जनरल नोटेशन जनरल ले रहे हैं। ठीक है, माइनस हम यहाँ पे प्लस भी ले सकते हैं। हम मान लें कि कोई ऐसी सर्किट है जिसमें कि वो माइनस फाइव है, उनके माइनस फाइव क्या फेज डिफरेंस उनके बीच का फाइव है। अब ये डजेंट मैटर प्लस फाइव है माइनस फाइव है, क्योंकि हम इन जनरल फॉर्म देख रहे हैं, उसके बाद हम हर एक पर्टिकुलर अलग अलग सर्किट के केस में उसका इक्वेशन देखेंगे किस तरीके से उसका इक्वेशन वैरी करता है। तो सिंपल सी बात है, जो इंस्टेंटेनियस अगर आपसे कोई पावर पूछे तो आप क्या बताएंगे पावर, तो ये इंस्टेंटेनियस पावर विल बी ई टाइम्स ऑफ आई। तो ये ई टाइम्स ऑफ आई अगर हम बात करते हैं, ये ई नॉट हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस एक बार डिफरेंट डेरिवेशन आपके उसमें अभी तो आपको करना नहीं, बस एक स्टेप हम कर दे रहे हैं जस्ट अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो ये सीख भी दीजिए। तो इसमें क्या है, सिंपल सी चीज़ है, कोई कुछ करना नहीं है। तो ये ई नॉट है तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी, ये जस्ट देख लीजिए क्या है, क्या हो रहा है इसके अंदर। तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दे, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, और ये माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ऐसे कुछ आएगा ना, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम इसको अंदर ले जाते हैं और सॉल्व करते हैं, तो ये जो हो गया ई नॉट, और ये क्या आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई। ठीक है, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये साइन ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी है, सो टू से मल्टीप्लाई करें, टू से डिवाइड करें तो वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन टू ओमेगा का साइन टू थीटा का, जो कि क्या होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपका थीटा की जगह पे क्या है ओमेगा टी है, तो यहाँ क्या उतना आ जाएगा 1/2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाइव। ये सक्सेस आ गया किसका, इंस्टेंटेनियस पावर का। अब अगर हम ये पावर की बात करें इन कंप्लीट साइकिल, ये किसी भी टाइम पे आपका पावर जो है सर्किट में वो ये होगा, लेकिन अगर हम पावर बात करें इन ए कंप्लीट साइकिल, इन वन साइकिल, दैट मीन्स आपका लिमिट वेरी करेगा फ्रॉम 0 to 2π और 0 to T, उस केस में हमें देखना है द एवरेज पावर विल बी। अगर हम इसको अब यहाँ पे जो इसकी कंप्लीट साइकिल के लिए जो वैल्यूज आएगी वो कितनी आएगी, एक्चुअली कंप्लीट साइकिल का मतलब होता है जस्ट इसके अंतर्गत इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपका 1/2 आ जाएगा, और ये इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 0 to 2π के लिए, वो कितना आ जाएगा आ जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा 2 है ना, 2 ओमेगा 2 के लिए आ जाएगा 0। ठीक है, और इसके लिए क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो अब जब इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, इसकी जीरो आ जाएगी, तो हम इसको देखना ही नहीं है, ये सिंपल इसको लेकर के चलें तो वो आपको क्या दे देगा ई नॉट आई नॉट कॉस फाई, और ये मल्टीप्लाई फॉर 1/2। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही है, तो यहाँ से आपको कितना मिल गया है, ये 1/2 आपका नीचे आ जाना है कॉस फाई, और ई नॉट को आपको पता है क्या होता है, वो E नॉट बाई, इसको फिर क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं E नॉट बाई रूट टू मल्टीप्लाई बाई आई नॉट बाई रूट टू, और ये क्या cos phi है, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है ERMS cos phi, ये आपका एवरेज पावर आ गया है किसी भी सर्किट के लिए, किसी एक कंप्लीट सर्किट में P
अब ये फॉर्मूला अपने पास रखे रहिए और आप देखिए कि किस तरीके से ये डिफरेंट सर्किट पे वर्क कर रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है, यही आप तो जस्ट फॉर्मूला यही याद रखना है, पी एवरेज पावर एवरेज इन एसी सर्किट पी विल बी ईआरएमएस आईआरएमएस टाइम्स ऑफ कॉस फाइ, वेयर फाइ इज एन एंगल बिटवीन द एसी वोल्टेज एंड एसी करंट। पी एवरेज ई आर एम एस आई आर एम एस और ये कॉस फाइव, ये आपका पावर आ गया किसी एक कंप्लीट सर्किट के लिए। अब हम देखेंगे डिफरेंट सर्किट के लिए किस तरीके से आपका पावर कैलकुलेशन वेरी कर रहा है। सबसे सिंपलेस्ट केस लेकर के चलते हैं जो आपकी आपका रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक है। अब देखिए इन सर्किट कंटेनिंग आर ओनली, उस केस में आपको पता है फाई कितना था, जीरो। कैसे जीरो, क्योंकि करंट और वोल्टेज क्या थे, सेम फेज में थे, सेम फेज में है तो कॉस फाई आपका क्या हो जाएगा, कॉस फाई क्या हो जाएगा आपका कॉस जीरो दैट मीन्स वन। अच्छा ये जो कॉस फाई है ये क्या कहलाता है, पावर फैक्टर। समटाइम्स आपको पावर फैक्टर इंटरेक्ट पूछ लिखा है किसी पर्टिकुलर सर्किट में, कि इस सर्किट के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए आपको जस्ट फाई का वैल्यू आपको उस पर्टिकुलर सर्किट के लिए हम अभी डिस्कस करेंगे वन बाई वन कि कॉस फाई मतलब पावर फैक्टर का वैल्यू हर केस में क्या क्या आ रहा है। तो ये क्या है, पावर फैक्टर है। तो ये आपको इस केस में जो पावर की वैल्यू आ गई वो सिंपल सा ई आर एम एस आई, किस केस में, प्योरली रजिस्टर सर्किट की केस में, ठीक है। अगर अब हम बात करें इन सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर ओनली इन सीरीज, इंडक्टर एंड एल एंड आर। अब आप ध्यान करिए फिर से फेजर डायग्राम जो कि हमने आपको तीसरे लेक्चर में बताया था, अगर आप कुछ जो कैंडिडेट नए होंगे अभी इस चैनल पे तो वो आप पिछले लेक्चर से देख लेंगे इस अल्टरनेटिंग करंट सर्किट का लेक्चर नंबर 3, तो आप उसमें देखेंगे कि ये चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है फेजर डायग्राम की। तो अब आपको फेजर डायग्राम फिर से आप उसको ध्यान करिए, तो फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से बना था, अब हम डायरेक्ट उसको वहाँ पर बना रहे हैं, अगर तक ये एक स्टेप बना ही देते हैं। तो उसमें क्या है, तो आपका फेजर डायग्राम में क्या था, एल आर सर्किट के वी आर आपका एक्स एक्सिस में रहना है, वी एल आपका कुछ इधर रहता था, और ये क्या रहता था यहाँ से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट सप्लाई के लिए फाई होता था आपका, ये क्या होता था वीएल करंट लैग करती थी ना वोल्टेज से अक्रॉस इंडक्टर। तो इस केस में ये जो ऑप्शन आ गई ये क्या है वीएल है, तो यहाँ पे टेन फाई की वैल्यू क्या आई थी, आपको ध्यान होगा टेन फाई क्या आ जाएगा वीएल बाय वीआर, इसे हम लिख सकते हैं एक्सएल बाय आर, ये टेन फाई की वैल्यू आई थी किस केस में, आपके एल आर सर्किट। अगर किसी भी सर्किट किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको ये पता है ये क्या है ये एक्सएल है ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियस चीज़ है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, हमने इसकी वैल्यू क्यों निकाली, वो इसलिए चूंकि कॉस फाई जो होगा वो क्या होगा, अगर आपका ये एंगल ये फाई है कॉस फाई को सुबे सपाट पर ये क्या हाइपोटेनस ये आधार बटा कर्ण आपका होता है, तो यहाँ से आपकी कॉस फाई की वैल्यू क्या आ जानी है, कॉस फाई की वैल्यू आ जानी है आर डिवाइडेड बाय जेड दैट मीन्स R डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। ये तो दैट मींस आपका जो पावर का एक्सप्रेशन आ जाएगा इन एल आर सर्किट में वो आ जाएगा ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू आर बाय जेड, ये किस केस में, एल आर सीरीज के सर्किट के केस में, ठीक है। और एल आर सीरीज के सर्किट के केस में जहाँ पे आपका जेड क्या आ जाना है, जेड आ जाना है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये आपका पावर का एक्सप्रेशन आ गया इन एल आर सीरीज सर्किट। अब हम बात करते हैं, हाँ अच्छा तो कॉस फाइव इसका निकल लिया ना, हाँ तो पावर फैक्टर अगर आपको पूछता है इन एल आर सर्किट, ये पावर फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, एल आर सर्किट। और टोटल पावर जो होगी वो टोटल क्या एवरेज पावर जो होगी वो ये हो जाएगी इन वन सर्किट। अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटर एंड रजिस्टर सर्किट में अगर आपको कनेक्टेड है तो उस केस में पावर का एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, जैसे कि आपने वही बताया ना, अगर आपको माइंड में फेजर डायग्राम है तो
कोई भी चीज़ इसमें आपको यह मेमोराइज करने की चीज़ नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे सिर्फ समझना है करना है। तो यहाँ पे आपको क्या पता था, VR आपका एक्सरसाइज में हुआ करता था और ये VC इस तरफ होता था और इसका जो रिजल्टेंट आना है कुछ यू आना है, उनके बीच एंगल क्या रहा करेगा, 5 हुआ करेगा। तो ये आपका ई जो है ये क्या है, सिंपल सा VC हो जाएगा। तो यहाँ से tan phi की वैल्यू अगर आपको याद हो तो वहाँ पर हमने निकाली थी VC बाय VR, VC को हम क्या कहते हैं, FC डिवाइडेड बाय R, VC को क्या IFC होगा, जो IR VR नीचे भी होगा, सीरीज कम्बिनेशन में है तो करंट में सेम होगी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया tan phi। अब अगर कोई आपका ट्रायंगल है जिसमें कि इस तरीके से चीज़ें हैं, ये आपका phi है और ये क्या है XC है, परपेंडिकुलर है और ये बेस अगर इसका है तो इसका क्या जाना है, टोटल क्या जाना है, R² + XC², दैट मीन्स आपका ये जो कि जेड के इक्वल है, तो यहाँ से cos phi की वैल्यू आ जानी है, दैट मीन्स पावर फैक्टर इनके साथ R कैपेसिटर एंड रजिस्टर्स एसी सर्किट विल बी R/Z, वेयर Z इज R² + C², दैट मीन्स इनके पावर का जो एक्सप्रेशन आ गया वो आपका वो क्या आ गया, ERMS IRMS इंटू R/Z। ठीक है, जहाँ पे जेड क्या है आपका R² + XC², ये सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया आपका पावर के लिए, किस केस में, CR सर्किट केस में, कैपेसिटर रेजिस्टर सर्किट केस में, और ये जेड क्या है पावर फैक्टर, ये क्या है पावर फैक्टर है किस केस में, CR सर्किट केस में। अब जब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पावर फैक्टर है सर्किट है वो LCR सीरीज सर्किट है, अब उसके केस में देखते हैं कि किस तरीके से आपका पावर फैक्टर का और पावर का एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, तो सर इन सर्किट कंटेनिंग सिंपल सा है, जस्ट फॉर फेजर डायग्राम अगर आपको याद हो तो सारी चीजें आप आसानी से होते जा रहे हैं। इन सर्किट कंटेनिंग LC एंड R। अब इसका फेजर डायग्राम आप रिमाइंड करिए, तो फिर किस तरीके से था, कुछ यूं था आपका, आगे VR तो आपका यहीं पे है, करंट भी है और ये VC, और यहाँ पे क्या था आपका VL था, जिसको हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए VC को अपवर्ड ले लिया था विद माइनस साइन, क्योंकि ये तरीका है बताया था आपको पिछले लेक्चर में। ये आपका क्या था E था, ठीक है, और ये क्या था फेज डिफरेंस था, और ये क्या आ जाएगा VL - VC, सिंपल था। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर हम tan phi देखिए, तो tan phi क्या है आपका इसके VL - VC / VR, और VL क्या है आपका I (XL) - I (XC) / I (R), चूंकि ये सब सीरीज में कनेक्टेड था, ये तो करंट क्या होगी सेम होगी, और ये XL - XC / R, तो ये आ गया आपका tan phi। ठीक है, अब हम ट्रायंगल कंसिडर करें जिसमें कि आपका क्या है, हाँ यहाँ पे आपका दिख रहा है, तो ये क्या है phi है, जिसमें कि ये क्या है VL - VC है और ये क्या है R है। उस ऐसे ट्रेंगल में ये जो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल सा R² + XL - XC² जो कि आपका क्या है इम्पीडेंस है इस केस में LCR सीरीज सर्किट के केस में। अब यहाँ से अगर हम cos phi की वैल्यू देखें तो यहाँ पे आपका cos phi क्या आ जाना है, इस ट्रेंगल से अगर आप cos phi की वैल्यू निकालना चाहें तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या हो जानी है सिंपल सा cos phi = R/Z, जहाँ पे आपका जेड क्या हो जाना है, जेड आपका है R² + XL - XC² ये क्या है पावर फैक्टर इनके साथ LCR सीरीज सर्किट के केस में, ये आपका पावर फैक्टर है। और जो एवरेज पावर है वो क्या आएगा ERMS IRMS × R/Z, जहाँ पे जेड आपका क्या है इन दिस सर्किट, जेड इज R² + XL - XC² ठीक है। तो ये हो गया LCR सीरीज सर्किट के केस में पावर कोएफिशिएंट। अब हम बात करते हैं सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर ओनली, उस केस में इंपॉर्टेंट केस है, उस केस में आपका जो करंट फ्लो होती है वो वाटलेस करंट कहलाती है, क्योंकि वहाँ पे
कोई पावर डिसिपेशन नहीं होता, बट ऐसा प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी सर्किट ऐसी नहीं है जिसका कि कोई रेजिस्टेंस क्या हो, रेजिस्टेंस वैल्यू जीरो हो। बट थियोरेटिकली आपको ये क्वेश्चन मिलता है इन सर्किट कंटेनिंग एल ओनली। अब इंडक्टर ओनली के केस में आपको पता है कि क्या आपका फाई कितना था, इस केस में आपको जो फाई की वैल्यू मिलनी थी वो क्या क्या थी आपका, यहाँ पे फाई 90 डिग्री था, ठीक है, किसके बीच फाई फेज किसके, वीएल के केस में ना, तो ये आपका आई था, ये क्या था वीएल था, इनके बीच कितना है 90 डिग्री है, फाई 90 डिग्री है, तो कॉस फाई की वैल्यू मतलब पावर फैक्टर कितना हो जाना है, सॉरी कॉस 90 डिग्री और यही पावर फैक्टर है, तो ये पावर फैक्टर इस केस में क्या होगा, कॉस 90 डिग्री ये जीरो हो जाएगा। इसके इस तरह से अगर हम एवरेज पावर देखें इन दिस सर्किट तो ये हो जाएगा ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस 90, इस तरीके से पावर डिसिपेशन क्या हो गया जीरो, क्योंकि कॉस 90 क्या होगा जीरो होगा, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो आपकी करंट होगी वो वाटलेस करंट कहलाती है, ठीक है। तो आपको एक्चुअली समटाइम्स फिजिक्स में खास तौर पे ये चीज़ होती है कि आपको वो स्पेशन के थ्रू मैथमेटिकली ना कर करके वो वर्ड में पूछते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि इंडक्टिव सर्किट के केस में क्या पूछा था, उन्होंने बोला था कि किस एसी सर्किट में आपके करंट की वैल्यू जीरो होती है जब आपका वोल्टेज मैक्सिमम होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी वाटलेस करंट के लिए आपको फाई पूछ सकते हैं कि फाई की वैल्यूज क्या होगी, तो यही चीज़ होती है सेम आर के केस में। इन केस अगर हम सर्किट कंटेनिंग आर ओनली के केस में भी देखें तो वहाँ पे भी आपका क्या आया था, फेज जीरो आया था, कैसे, चूंकि वी सी आपका इधर होता था और आई आपका इधर है, तो इस केस में भी क्या है फाई 90 है, जब फाई 90 है तो कॉस 90 यहाँ पे भी जीरो, पावर फैक्टर यहाँ पे भी जीरो, तो ये जीरो है, तो क्या पावर जो है यहाँ पे भी क्या जानी है ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस 90, ये क्या आ गया जीरो। इस केस में भी आपका एवरेज पावर जो है वन साइकिल कंप्लीट साइकिल ही जीरो। तो इस तरीके से इस केस में जो करंट होगी वो आपके वाटलेस करंट कहलाएगी और इस केस में आपका एवरेज पावर जो है वो जीरो आता है। तो ये तो हो गया पावर इन एसी सर्किट। अब यहाँ पे आपने एक बात जो ऑब्जर्व की वो ये, यदि पावर आर पावर डिसिपेशन आर पावर फैक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सर्किट, नेचर ऑफ सर्किट मीन्स सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड इन एसी सर्किट, सर्किट एलिमेंट मीन्स रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर, कौन सा सर्किट एलिमेंट है एसी में सर्किट में वो आपको, वो आपका डिपेंड करेगा कि आपका पावर फैक्टर और पावर डिसिपेशन किस तरीके से वैरी करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि आपको यहाँ पे सीखनी थी। अब आपके इस चैप्टर में केवल एक टॉपिक और है और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग करना ज़्यादा सीखेंगे। अब इस तरीके से आपका चैप्टर ये फिनिश होने की तरफ है और ये जो है वो ट्रांसफार्मर है, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पूछी जा चुकी हैं अभी आपको। तो ट्रांसफार्मर आपका पता है ये क्या है, डिवाइस है विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड इट कन्वर्ट द हाई लार्ज अमाउंट ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट एट अ लो वोल्टेज इंटू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट एट अ हाई वोल्टेज और एंड वाइस वर्सा। दैट मीन्स आपका अगर कोई अल्टरनेटिंग करंट है जो कि हाई वैल्यू पे है एट अ स्मॉल वोल्टेज पे, तो उसे वो करंट पढ़ के देगा किसमें, इसमें लो वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट अ हाई वोल्टेज में। आपका जो ट्रांसफार्मर है वो दो तरीके का है, एक स्टेप अप है और एक स्टेप डाउन है, और इसमें एक बार पूछा भी गया था विच टाइप ऑफ मटेरियल इज फील्ड इनसाइड द ट्रांसफार्मर, तो वो आपका सॉफ्ट आयरन मटेरियल है और उसका रीजन जो है हम लोग मैग्नेटाइजेशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, आपका जो पहला बैच है वहाँ पे आपको वहाँ पे बताया है कि किस तरीके से आपका सॉफ्ट आयरन को ही फील किया जाता है ट्रांसफार्मर में, ऐसा क्यों है। वहाँ पे भी हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट का केस जब आपको डिस्कस किया था, इस तरीके से बीएच कर्व का किस तरीके से हिस्टेरेसिस लूप आपका सॉफ्ट आयरन कोर के लिए और स्टील के लिए वैरी करता था, तो उसका रीज़न वहाँ से जा करके निकल के आता है कि क्यों हम यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर इज सिंपली डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस mutual inductance and it is used to convert
लार्ज अमाउंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट अ लो वोल्टेज इनटू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट अ हाई वोल्टेज।